और लिंगायत हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है, बसवेश्वर जी ने दिया हुआ। लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है और संविधान के अनुसार लिंगायत धर्म की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम समाज के, मुस्लिम समाज का सपोर्ट समर्थन हमारे साथ है, इसलिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और लिंगायत धर्म एक इंडिपेंडेंट रिलीजन है, वी आर नॉट हिंदूस। लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है, हम वैदिक धर्म के अनुयायी नहीं है, लेकिन जरूर हम हिंदुस्तानी हैं। हम और आप सब लोग हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान को बचाएंगे और इस हिंदुस्तान के संविधान को हम सब लोग बचाएंगे। जय हिंद, बोलो आप सब लोग जय हिंद। शुक्रिया। इवत्तिन ई वंदु सीएए एनआरसी मत्तु एनपीआर वंदु विरोधिसि ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿಎಎ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ 12ನೇ ಸದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ್ಜಿ ಕೆ ಜಮಾನೆ ಮೇ ವಿಶ್ವ ಕಾ ಪಹಲಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಹಾ ಪರ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಹುಯಿ ಥಿ ಉಸ್ಕೋ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಹಮ್ ಕಹತೆ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹಿಬ್ ಜೀ ನೇ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಿ ಕಾ ವಚನ ಕಹಾ ಥಾ, ದುನಿಯಾ ಕಾ ಪಹಲಾ ಲೋಕತಂತ್ರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೇ ಸ್ಥಾಪನಾ ಹುವಾ ಥಾ, ಔರ್ ಉಸ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸೆ ಮರುಳ ಶಂಕರ್ ದೇವರ್ ಜಿ ಆಯೆ ಥೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೆ ಮಹಾದೇವ್ ಭೂಪಾಲ್ ಆಯೆ ಥೆ, ಔರ್ ದುನಿಯಾ ಕೆ सभी हिस्सों से यहाँ पर अनुभव मंडप में आए थे. आज हम, मैं चंद बसवानंद स्वामी जी और हमारे बसव प्रभु स्वामी जी इसलिए यहाँ पर आए हैं कि अनुभव मंडप में बोल के जितने भी भारत में कौम है, जातियां हैं, उस जाति के लोगों को बसवेश्वर जी ने अवकाश दिया था इस सेकुलर स्टेट में. और ये संविधान है, 12वीं सदी में बसवेश्वर जी ने वचन संविधान दिया था. यहाँ कौन है ऐसा न कहलाइए, यहाँ अपना है ऐसा कहलाइए. हे कूड़ल संगम देव, आपके महान घर के सुपुत्र कहलाइए. ये दुनिया के सारे लोगों को अपनाने वाला एक धर्म बसवेश्वर जी ने दिया था. और उस बसव कल्याण का महाद्वार और गेटवे इस कल्याण, ये कलबुर्गी है, गुलबर्गा है, इसलिए आज जातीत लोगों के, हिंदू मुसलमान सबके भावैक्यता का एक जिला केंद्र एक गुलबर्गा है. यहाँ पर शरण बसवेश्वर जी और बंदे नवाज जी एक साथ रहे हुए हैं और एक जात्यतीत राष्ट्र है. कभी हम इस जात्यतीत राष्ट्र को और इस संविधान को बदलने नहीं देंगे. लिंगायत समाज की ओर से और हमारे संस्था की ओर से पूरे पूरा समर्थन हम इसके साथ हैं. आप कभी भी बुलाए. आज मैं एक घंटा भाषण देना चाहता था लेकिन आप 5 घंटे से आप बैठे हुए हैं. बंगलुरु से खास मैं इसलिए आया था. हिंदी में, कन्नड़ में, मराठी में कभी भी आप बुलाइए. देश भर हम इस आंदोलन में हम जुड़े हैं आपके साथ है. सर्वधर्म संसद दिल्ली में स्वामी अग्निवेश जी हम और मिलके किए हैं. कर्नाटक से मैं अकेला सर्वधर्म संसद का मेंबर हूँ. लिंगायत कम्युनिटी की ओर से स्वामी अग्निवेश जी और हम, आप कभी भी बुलाइए, हम आधी रात को आने के लिए तैयार है. दिल्ली में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, बेंगलुरु में भी है, कर्नाटक में है, हम आपके साथ है और संविधान बचाएंगे. बोलो, मोहम्मद इकबाल साहब ने, आपने, आपको सभी को मालूम है, सारे जहां से अच्छा, बोलिए मेरे साथ, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा मनुष्यता हमारा हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं, बोलो सभी लोग, आपस में बैर रखना, वतनी है हम हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. एक बात आप गौर से सुनिए, हम सब लोग बोलते हैं और मोदी जी शाह भी बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं. हिंद का मतलब
ये केवल वैदिक धर्म का नहीं है, हिंद का मतलब है हिंदुस्तानी, यहाँ का इस्लाम इस्लाम क्राइस्ट जैन बौद्ध लिंगायत सभी का हिंदुस्तान है, इसलिए हम जय हिंद बोलते हैं। ये हिंदू धर्म का नहीं है और लिंगायत हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है, बसवेश्वर जी ने दिया हुआ। लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है और संविधान के अनुसार लिंगायत धर्म की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम समाज के मुस्लिम समाज का सपोर्ट समर्थन हमारे साथ है, इसलिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और लिंगायत धर्म एक इंडिपेंडेंट रिलीजन है, वी आर नॉट हिंदूस, लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है, हम वैदिक धर्म के अनुयायी नहीं है, लेकिन जरूर हम हिंदुस्तानी हैं, हम और आप सब लोग हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान को बचाएंगे और इस हिंदुस्तान के संविधान को हम सब लोग बचाएंगे। जय हिंद बोलो आप सब लोग, जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया।